बड़ी खबर इटावा से, यहाँ पर थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत हुई पुलिस मुठभेड़ में एक चोरी करने वाले सातिर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी इटावा संजय कुमार ने बताया कि थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत रात में मुठभेड़ के दौरान 4 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 3 तमंचा, 10 कारतूस, 6,000 रुपए नकद, एक टेम्पो तथा चोरी करने वाला सामान भी बरामद हुआ है। एसएसपी इटावा ने थानाध्यक्ष चौबिया बेचन सिंह को 10,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। यह लोग रात में टेम्पो को किराए पर ले जाकर सुनसान घरों में और ऐसी जगह पर जहां पुरुष अपने काम पर चले जाते हैं और महिलाएं घर में अकेली रहती हैं, ऐसे घरों को निशाना बनाते थे और इन लोगों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वह जेल भी जा चुके हैं। एसएसपी इटावा ने सभी लोगों से अपील की है कि मकान मालिक किराएदार को पूरा वेरीफाई करके ही किराए पर रखें, अनजान अपरिचित लोगों को किराए पर बिल्कुल ना रखें। देखिए, चौबिया थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण क्षेत्र में रात में 1:30 बजे के आसपास पुलिस को टिप ऑफ मिलता है। थानाध्यक्ष चौबिया बेचन सिंह और उनकी टीम को कि कुछ लोग टेम्पू से चोरी करते हैं घरों में, और जब इन्होंने उसको ट्रैक किया रात में 1:30 बजे और उसका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर भी किया था, जिसके आधार पर उन्हें फिर आवश्यक बल लगाकर गिरफ्तार किया गया है। और उनके पास से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं, 10 कारतूस बरामद किए गए, 315 बोर के 3 उसमें खोखा कारतूस हैं, 7 जिंदा कारतूस हैं, साथ ही साथ 6,000 रुपये बरामद किए गए हैं। और ये टेम्पो, एक टेम्पो जो है UP 75 नंबर का बरामद किया गया है, पेचकस है, रॉड है, आरी है, चाबियों का गुच्छा है तथा चोरी करने के जितने इक्विपमेंट्स होते हैं वह भी बरामद किए गए हैं, चाकू बरामद किया गया है। इस प्रकार से एक सफलता चोरी को रोकने में मिली है पुलिस को। इसमें साथ साथ मैं ये भी अवगत करा दूं कि ये जो चारों मुलजिम पकड़े गए हैं इनके 6 से लेकर 8 तक आपराधिक इतिहास भी हैं, और ये कोतवाली शहर, फ्रेंड्स कॉलोनी, सिविल लाइन्स और एकदिल से जेल भी गए हैं। साथ ही साथ इससे पहले भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी के यहाँ इन्होंने चोरी की थी जो है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि ये लोग ऑटो किराए पर रात में लेते हैं और रात भर ये चोरियां करते हैं ऐसे घरों में जहां पर सुनसान होता है, जहां पर ताला बंद होता है, या जहां पर ऐसा इनको देखते हैं कि एकदम से अलग थलग घर है तो उसमें ये टारगेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अच्छी बरामदगी इटावा पुलिस के चौबिया थाना द्वारा की गई है। इसे मेरे द्वारा 10,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। थानाध्यक्ष को इसमें राजीव नाम है एक लड़के का, जो कि मूलतः रहने वाला औरैया का लेकिन किराए पर रहता है। इसी प्रकार कल्लू नाम है जो कि एक दिल का रहने वाला है। सोनू पुत्र कमलेश एक मुलजिम है इसमें, जो गिरफ्तार किया गया है। राहुल राजपूत जो सिविल लाइन का रहने वाला है, और सोनू जो कानपुर देहात का रहने वाला है, यह भी यहीं पर किराए पर रहता है। तो मैं आपके माध्यम से अभी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को बिना वेरीफाई किए अपने किराए पर ना रखें। अगर ऐसे किराएदार आप रखते हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं से आप कुछ त्रुटि कर रहे हैं और एक अपराधियों को बढ़ावा देने में सहयोग कर रहे हैं। तो कृपया करके बिना वेरिफिकेशन के किसी भी को किराए पर न रखें। सर, ये कब से ये चोरियां कर रहे हैं जिले में और कितनी चोरियां को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, इनका पहला मुकदमा 2019 से है, 19, 20, 21, 22 आप देख रहे हैं, इसमें 24 चल रहा है। तो ये पिछले 5-6 साल से ये सक्रिय चोर हैं। और आप जैसा कि जानते होंगे, पिछले दिनों फ्रेंड्स कॉलोनी थानों में एक ही वर्ष पहले एक बड़े अधिकारी के यहाँ ये लोग चोरी भी किए थे, उनके मकान में, सरकारी मकान में चोरी किए थे। तो इस प्रकार से जो है ये लोग सातिर अपराधी हैं और सातिर चोर हैं, जिसको पुलिस मुठभेड़ में इटावा पुलिस के चौबिया थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।